आज की इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपकी तरबियत है, दावत की तैयारी है। उठो, नबियों की दावत लेकर, तौहीद का पैगाम लेकर, सुन्नत का ऐलान लेकर, मसाजिद में नहीं, चौकों में, चौराहों में, गलियों में अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर दो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ऐलान कर दो। इन हवालों को याद करो। यहीं पर बस नहीं है, ये मलफूजात ये मेरे हाथ में, हरिया हरिया पग्गा वाले नई नस्ल दे तोते, इनकी मोहब्बत मुस्तफा समाप्त फरमाए। इसके शुरू में मुकदमा लिखा गया, उसमें लिखा है वो अगर बड़गे लगवानी थी, गालियां दिलवानी थी, कोई चूर चुमार बुला लेते। मौलवी भी कहते हो, आलिम भी कहते हो, और गालियां भी दिलवाते हो। कोई एक्टर ले आते, फिल्म इंडस्ट्री आज का लाश का शिकार है। मुझे तो लगता यह है कि फिल्म इंडस्ट्री से सारे भागे हुए इनके मौलवी बन गए हैं, टोके लेकर एक्टिंग कर रहे हैं। क्या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है? यह रसूलल्लाह का तरीका नहीं। और जिस हिंद के इमाम को तुनु मुक्तदा पेशवा मानता है, उसकी जुबान उसका अमल तो ऐसा हो सकता है, पर अहले हदीसों के इमाम का अमल ऐसा हो सकता नहीं। इस मलफूजात के शुरू में लिखा है कि अहमद रजा जब सोता था, कैसे सोता था? अपने सर के नीचे दोनों हाथ रखता, अपने कदमों को यूं मोड़ता कि कदमों के साथ लफ्ज़े मोहम्मद बन जाता। खुदा की कसम मुझे बताया जाए, शरीफ ब्रादरान मैं तुमसे भी पूछता हूं, और लिखने वालों एजेंसियां कहां गई तुम्हारी गैरत? तुम्हारे कलम क्यों नहीं लिखते कि नबी के नाम की गुस्ताखी पांव के साथ लफ्ज मोहम्मद बनाया जाए? न तुम्हें गैरत आए, न इन्हें गैरत आए, और फिर भी आज के रसूल के लवाए। और शरीफ बरादरान, वहाबियों का एहसान याद रखो, ये पाकिस्तान के मुश्किल कुशा तुम्हारे काम नहीं आए। जब मुशर्रफ ने खींचा, तुम पर वहाबियों ने एहसान किया और तुम्हें सऊदीया लेकर गए। तुम पर एहसान किसका है? वहाबियों का।